हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कान में बजना, घंटी की आवाज़ सुनाई देना, हवा की आवाज़ आना के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं, और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों को कान के अंदर अपनी धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। तो कान में धड़कन की आवाज़ सुनाई देना किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, कान में धड़कन की आवाज़ सुनाई देने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यह आवाज़ आपके कान में से गुजर रही या कान के आसपास से जाने वाली धमनियों में खून के बहने के कारण आती है, जिसे आपके कान आसानी से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कान में यदि धड़कन की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो मेडिकल भाषा में इस समस्या को पल्सेटाइल टीनाइटिस नाम से जाना जाता है। कान में धड़कन की आवाज़ सुनाई देने का प्रमुख लक्षण होता है कि आपको अपनी धड़कन यानी पल्स की आवाज़ कान में साफ सुनाई देती है। इसके साथ आपको दूसरे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि खड़े होने पर चक्कर आना, सर चकराना। लेकिन यदि आपको कान में धड़कन की आवाज़ के साथ चेस्ट पेन हो और हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और समय रहते जरूरी मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कान में धड़कन की आवाज़ सुनाई देने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना। दोस्तों, यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो गया है या लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो कान में धड़कन की आवाज़ आपको साफ सुनाई देती है। ऐसे में आपको तुरंत हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा लेनी चाहिए और डॉक्टर से सही जांच और इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी खून की धमनियों यानी कि खून की नलिकाओं में ब्लॉकेज की समस्या हो, जो कि आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण हो सकती है या धमनियों में खून का थक्का बनने के कारण हो सकती है, तो खून की धमनी में किसी प्रकार की रुकावट हो जाए तो ऐसे में आपको कान में धड़कन की आवाज़ सुनाई दे सकती है। आमतौर पर ऐसा होने पर आपको ज़्यादातर एक कान में ही दिल की धड़कन सुनाई देने की समस्या आती है। यदि आपके सिर की तरफ जाने वाली धमनियों में खून का दौरा किसी कारण से तेज हो जाए तो ऐसे में भी आपको अपने कान में दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है। सिर में या गर्दन में गांठ या ट्यूमर होने पर भी आपको कान में दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है। तो दोस्तों, ये वो कारण होते हैं जिनके कारण आपको कान में दिल की धड़कन यानी पल्स सुनाई देने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, सही कारण का पता लगाने के लिए ENT डॉक्टर के पास आपको जाने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन और आपकी ब्लड प्रेशर की जांच। इसके अलावा आपकी सुनने की क्षमता की भी जांच की जाती है। कान में दिल की धड़कन सुनाई देने का इलाज सही कारण पता चलने के हिसाब से ही आपको डॉक्टर देता है। इसके अलावा यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी की समस्या है तो आपको नमक कम से कम या ना के बराबर खाने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सके, आपकी खून की नलियों में जो रुकावट आई है वो दूर हो सके, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके। मानसिक तनाव जितना कम लेंगे उतनी ही कम आपको यह समस्या होगी। तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। शराब का सेवन, धूम्रपान, तंबाकू, खैनी, जर्दे का सेवन करने से परहेज करें, क्योंकि नशा कान में धड़कन सुनाई देने की समस्या के अलावा और बहुत सारी दिक्कतें और शारीरिक रोग आपको दे सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कान में दिल की धड़कन सुनाई देने के पीछे क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर यदि आपको ये समस्या आती है तो किसी अच्छे ENT डॉक्टर के पास आपको सबसे पहले जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।